अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आज हम बनाएंगे क्रिसमस केक, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बड़े ही मज़े की है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमने लिया यहाँ पर 2 कप मैदा, 150 ग्राम हमने बटर लिया, और हमें चाहिए 3 अंडे, 50 ग्राम अखरोट, और 200 ग्राम हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है, काजू है, बादाम है, पीले और ब्लैक किशमिश है, और सूखी खजूर है। ये सारी चीज़ों को हमने 3 मरतबा अच्छी तरह से वॉश किया और इसे अच्छे से किचन टावल पे हमने सुखा लिया है, बिल्कुल सुखा लेना है। और हमें चाहिए ये 1 संतरे का हमने छिलके को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है, और किस तरह किया हमने थोड़ा सा रख लिया है, अभी हम आपके साथ इसे शेयर करेंगे। और हमें चाहिए 1 कप शक्कर, 100 ग्राम ऑरेंज जूस चाहिए, ये होममेड है, आप इसकी जगह टेट्रा पैक का भी ले सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने छिलकों को बिल्कुल, ये जो वाइट पार्ट होता है इसके छिलकों का बिल्कुल निकाल लेना है, अच्छे से निकाल लेना है, ये वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं चाहिए वरना हमारा केक कड़वा हो सकता है। तो इसे निकाल कर हमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, इस तरह से हमने ये छिलकों को चॉप करके तैयार किया है। अब यहाँ केक का हम मोल्ड लेंगे और नीचे बटर पेपर लगा दिया, और साइडों से इस तरह बटर पेपर हम लगाएंगे। ये केक थोड़ा टाइम लगता है बेक होने के लिए, तो इसे हम इस तरह साइडों पर बटर पेपर लगाएंगे ताकि हमारा केक आसानी से निकल सके, और इसे हम ऑयल से हर तरफ अच्छी तरह से साइडों पर लगा लेंगे। तो यहाँ हमने सेट करके रख लिया। अब एक बाउल पर हम छन्नी रखेंगे और उसमें हम मैदा डालेंगे, और ये बेकिंग पाउडर है, इसे हम एक चाय का चम्मच लेवल कर हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है, आधा चम्मच से आधा, और इसे हम छान लेंगे, अच्छी तरह से हम छान लेंगे ताकि कोई लम्स इसमें ना रह सके। अब यहाँ जार लिया हमने, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास वो सारा हम इसमें डाल देंगे, आधा डालेंगे और आधा हम बाद में पीस लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमें बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा सा अभी हमें चॉप करना है। अब चूल्हे पे हमने पैन रख दिया और इसमें हम शक्कर डाल देंगे, शक्कर को हमें मेल्ट करना है, तो हमें चूल्हे को इस वक्त बिल्कुल बारीक रखना है। और ये देखिए चेंज हो रहा है हमारा शक्कर, ये बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाती है, और शक्कर जब इस तरह गोल्डन कलर की हो जाए तो हमें इस स्टेट पर हमें बटर डालना है, बहुत ज़्यादा इसे हमें डार्क नहीं करना, इससे ज़्यादा अगर हमने डार्क कर लिया तो ये कड़वा हो जाएगा। और इसमें हम बटर डाल देंगे और बटर को मेल्ट होने तक का कुक कर लेना है। अब इसमें हम ऑरेंज जूस डाल देंगे और इसे भी हम पका लेंगे जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए, और चूल्हा इस वक्त हमने मीडियम पर रखा है। अब जो चॉप हमने ड्राई फ्रूट्स किए थे, किशमिश और ब्लैक किशमिश को हमने नहीं पीसा था, वो ऊपर ही हमने रहन दिया,
और इसमें सारा डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ी टाइम हम इसे और पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा कड़ा हो जाए। और चम्मच को हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, इसे छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसे हम ठंडा कर लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, यहाँ 2 घंटे के बाद बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह का हो गया। अब इसमें कुछ 1 बड़ा चम्मच हमने रेड चेरी को चॉप कर लिया, यह हम इसमें डाल देंगे और अखरोट को भी हम इसी वक्त डालेंगे। और जो ऑरेंज के छिलके हमने चॉप किए थे ये भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम रख देंगे इसे गार्निशिंग के लिए। और ये स्पाइसी मसाला है, ये आप किसी भी केक शॉप पे आपको मिल सकता है। अगर ना मिले तो मैंने इसे घर में तैयार किया है। ये 1 बड़ा चम्मच हमने सॉल्ट पाउडर लिया, 2 टुकड़े दालचीनी का टुकड़ा लिया और 8 लौंग और छोटा टुकड़ा हमने जायफल का लिया और बिल्कुल बारीक पीस लिया। ये तकरीबन 1 बड़ा चम्मच हमने लिया है ये पाउडर और इसमें मिला लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त इन मसालों की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की। अब यहाँ पर बाउल में हम अंडों को तोड़ देंगे। 3 अंडों को तोड़कर इसे अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है। जब अंडे अच्छे से हमारे फिट जाए तो मैदे में हम डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसमें दूध वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता। ये बहुत ही अलग और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये सारा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करना, जब तक कि मिक्स करना है कि सारी चीज़ें हमारी मिक्स हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है इस वक्त। और ये सारा हम मोल्ड में डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने चूल्हे पर पतीला रखा था 10 मिनट पहले, इसे हम प्री हीट कर लिए हैं और इसके अंदर हमने रिंग रखा है और इस पर हम केक का मोल्ड रख देंगे। अगर आप इसको ओवन में तैयार कर रहे हो तो 150 डिग्री पे आप इसे बेक करोगे, कम से कम 1.5 घंटे के लिए बेक करना है। तो इसे हमने कवर कर दिया। आप इस पे हम ये हैवी चीज़ रख देंगे ताकि इसका एयर ना आ सके और इसे हम शुरुआत में 10 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर रखना है और उसके बाद हमें 1 घंटे के लिए बिल्कुल बारीक आंच पर बेक करना है और बीच में हमें इसे नहीं खोलना है। तो चलिए 1 घंटे का इंतज़ार करते हैं। 1 घंटे पे मैंने चेक किया था तो बीच में से थोड़ा सा गीला था तो मैंने 15 मिनट के लिए इसे और रख दिया। तो ये तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट हमने बेक किया और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम चेक कर लेते हैं बीच से, तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन है और साइडों से भी चेक करेंगे तो हमारी टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसे हमें इसी तरह रहन देना है, बिल्कुल इसे कुछ भी करना नहीं है, छेड़ना नहीं है। इसे पूरा 1 दिन के लिए हम इसे कवर करके रख देंगे। तो 1 दिन हो जाने के बाद हम आगे बताते हैं क्या करना है। तो ये दूसरे दिन हमने ये देखिए अब इसे हम पलट रहे हैं
और इसके जो साइड के बटर पेपर हैं वो सारा हम निकाल देंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट केक होता है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़े का है। और इसे हम टूथपिक की मदद से हर जगह होल कर देंगे, साइडों पे हर जगह हम होल बना देंगे। अब इसमें ये आधा कप मेरे पास ऑरेंज जूस है, ये हम इस पर थोड़ा थोड़ा कर कर डालते रहेंगे, जब तक कि हमें डालना है, जब तक कि ये एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छे से हम इसमें सारा जूस को डाल देंगे। ये थोड़ा सा बच चुका है और बाकी हमने इसमें डाल दिया है। अब इस पे हम लगाएंगे जैम, ये ब्लूबेरी जैम है मेरे पास, ये 100 ग्राम लेंगे। और इसे मैंने बर्तन में डालकर आप इसे मेल्ट कर लेंगे, माइक्रोवेव में आप 2 मिनट के लिए रखेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाता है। आप इसकी जगह पे ऑरेंज जैम ले सकते हो या खुबानी का जो जैम होता है वो ले सकते हो, बाकी जो नॉर्मल हम मिक्स फ्रूट वगैरह जैम खाते वो नहीं डालना है। और इस तरह हम ऊपर डाल देंगे और अच्छे से हर तरफ फैला लेंगे साइड पर, ये हमने सारा इस पर लगा लिया है। और ऊपर से हमने जो थोड़ा सा ऑरेंज का छिलका बचा के रखा था वो हम छिड़क देंगे। और ये 50 ग्राम बादाम था, इसे गर्म पानी में 10 मिनट भिगो दिया और इसके छिलके निकाल कर इसे पैन में हमने रोस्ट कर लिया। और फिर इसे हम इस तरह थोड़ा मोटा मोटा सा पीस लेंगे और सारे जगह पर ऊपर साइडों पर हम बादाम के पाउडर को हम छिड़क देंगे। हर तरफ से हमें इसे लगा लेना है। तो ये केक आपने ज़रूर बनाना है, ये बहुत ही हेल्दी भी है, ये नट्स का पूरा हमारा केक तैयार होता है। बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, सर्दियाँ स्टार्ट है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही मुफीद है। और ये हमने अच्छे से सारा बादाम का पाउडर ऊपर से लगा कर इसके ऊपर हम कुछ चेरीज लगा लेंगे। और आप इसे बनाकर हफ्ता 10 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भरा ये केक तैयार होता है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और अपनी फैमिली के साथ बनाकर एंजॉय करें। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर कीजिए।